बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन पेज नंबर 69 ऑफ योर इंग्लिश बुक। टुडे वी आर गोइंग टू रीड आवर लेसन फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड। डियर स्टूडेंट्स, दिस लेसन फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड, रिटन बाय लेविस कारोल। दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द एडवेंचर्स ऑफ The Alice and today we are going to read a part of it। प्यारे बच्चों, एलिस और उसकी बहन नहर के किनारे पर बैठे हुए थे। उसकी बहन किताब पढ़ रही थी और एलिस बिल्कुल बेकार बैठी थी। वो देख रही थी कि उसकी बहन जो किताब पढ़ रही थी उसमें न तो किसी गुफ्तगू का जिक्र था और न ही कोई तस्वीर वगैरह मौजूद थी जिससे देखकर या पढ़कर कुछ मज़ा आ जाता। एलिस ने सोचा कि ऐसी किताब पढ़ने का क्या मज़ा जिसमें न किसी गुफ्तगू का जिक्र है और न ही कोई तस्वीर। एलिस यही सोच रही थी कि अचानक एक खरगोश उसके सामने से गुज़र गया। यह खरगोश खूबसूरत होने के साथ साथ गुलाबी आंखों वाला भी था और अपनी तरफ मायल करता था। एलिस ने खरगोश को यह कहते हुआ सुना कि अरे प्यारे, आज मुझे देर हो जाएगी। इसी के साथ ही खरगोश ने अपने कोट से एक घड़ी निकाली और उसकी तरफ देखते ही तेज़ तेज़ आगे बढ़ने लगा। एलिस ये मंज़र देखकर हैरान हुई क्योंकि उसने आज तक न तो किसी खरगोश को कोट पहने हुए देखा था और न ही घड़ी देखी थी। हैरानगी के आलम में एलिस इस खरगोश के पीछे पीछे चलती गई, यहाँ तक कि ये एक छोटे से सुराख के पास पहुँच गया जो कि इसका घर था। ये खरगोश इस सुराख के अंदर चला गया और एलिस भी इसके साथ साथ नीचे उतरती गई। वो नीचे उतरती रही और बहुत गहरी उतरती रही और वो इस चीज़ की कोशिश कर रही थी कि वो देखे कि असल में नीचे क्या है। शुक्रिया।